नमस्कार दोस्तों, वार्तालाप टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं रिदम झा एक बार फिर आज की मुख्य खबरें लेके आपके सामने हाजिर हूँ। कांग्रेस आलाकमान अशोक गहलोत से नाराज हैं, क्योंकि विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में सचिन पायलट को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। सचिन पायलट कल दिल्ली पहुंचे थे, उसी के बाद से कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार पर संकट की बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन वही सचिन पायलट ने भी संकेत दिए हैं कि वह बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी नई पार्टी जरूर बना सकते हैं। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों के बीच उत्तर प्रदेश में अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी की गई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में सभी बाजार सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे, जबकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ और राज्य कांग्रेस कार्यालय के सदस्य और ज्वेलरी फर्म के मालिक राजीव अरोड़ा के कार्यालय और आवास समेत कई स्थानों पर छापेमारी हुई है। आईटी विभाग के सूत्रों का कहना है कि ये छापेमारी टैक्स चोरी की शिकायत पर की जा रही है। केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन और उसकी संपत्तियों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मंदिर के प्रबंधन का अधिकार त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार को दिया है। आपको बता दें कि साल 2011 में मंदिर के अधिकार और संपत्ति को लेकर केरल हाईकोर्ट ने इस पर राज्य सरकार का अधिकार बताया था, जिसके बाद केरल हाईकोर्ट के इस आदेश को पूर्व त्रावणकोर शाही परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर दिल्ली सरकार कोविड 19 संक्रमितों की प्लाज्मा थेरेपी उपचार के लिए दूसरा बैंक लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में स्थापित करेगी। सोमवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने LNJP में प्लाज्मा बैंक स्थापित करने की तैयारियों का जायजा किया। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, उनके बेटे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय और पोती कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बच्चन परिवार में कुल 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी 11 जुलाई की रात को दी थी। तब से ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। फैंस लगातार उनके जल्दी ठीक होने की कामना कर रहे हैं। अब हाल ही में अमिताभ बच्चन ने एक और ट्वीट किया है। इस ट्वीट में एक्टर अपने हाथ जोड़कर लोगों को उनके लिए प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद 12वीं के 12 लाख स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। नतीजे स्टूडेंट्स www.cbse.nic.in पर नतीजे चेक कर सकेंगे। इस बार CBSE 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को शेष रह गई परीक्षाओं में अपना स्कोर सुधारने का भी मौका देगी। इसके बाद इंप्रूवमेंट परीक्षा में आने वाले स्कोर को ही उनका फाइनल स्कोर माना जाएगा। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सेलिब्रिटी ने इस साल दुनिया को अलविदा कह दिया है। रविवार को मॉडल, सिंगर और एक्ट्रेस दिव्या चौकसी का कैंसर से निधन हो गया है। दिव्या ने फिल्म है अपना दिल आवारा में काम किया था। दिव्या ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में निधन से पहले आखिरी पोस्ट में लिखा था कि वो डेथ बेड पर हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी सिंगर एल्विस प्रेस्ले के नाती बेंजामिन क्योव का रविवार को 70 साल की उम्र में निधन हो गया। खबरों के मुताबिक उसने अमेरिका के कलाबसास स्थित अपने घर में खुद को गोली मार कर आत्महत्या कर ली। इस बात की पुष्टि उसकी मां और एल्विस की इकलौती बेटी लीजा मैरी प्रेस्ले की मैनेजर ने एक न्यूज एजेंसी में बातचीत में की। श्रावण मास यानी सावन के महीने का आज दूसरा सोमवार है। इस दिन भगवान शिव की उपासना और व्रत का बड़ा महत्व है। उपास रखकर शिव की पूजा और मंत्र जाप की जाए तो आर्थिक तथा पारिवारिक समस्याएं दूर हो सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वार्तालाप टीवी पे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। वार्तालाप टीवी, आपका नजरिया, आपकी आवाज।